आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके सवालों का जवाब देने हमारे बीच आए हैं सीए जय गुलिया जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरे जी दर्शकों सर। के बिहाफ पर, जी सर। क्या इनकम टैक्स की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 31 तारीख सिर पर है। हाँ जी सर, अभी क्या है कि मिनिस्ट्री में थोड़ी सी वो जानकारी मिली है कि आज या कल में, मोस्ट प्रोबली परसों तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेट बढ़ने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 70-80% चांसेस है कि डेट बढ़ेगी बढ़ेगी। इसका मतलब देखो, सर ने बोल दिया है कि डेट बढ़ेगी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बोले गए शब्दों की कुछ वैल्यू होती है। तो सर ने बोला 70-80% बढ़ेगी, तो सर इसका मतलब ये है क्या काम करना बंद कर दे? नहीं भाई, काम करना बंद नहीं करना है, काम करते रहना, आईटीआर फाइल करते रहना है। और अगर सर के रिसोर्सेज से पता लग गया कि बढ़ गई तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन जितनी आईटीआर पे काम कर चुके हैं उन पे कर ले। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो डेट बढ़ने का एक रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, जो पोर्टल जो आ रहा है ना हमारा कि पोर्टल में एरर है, उससे भी बड़ा एक रीजन है। बताओ क्या रीजन है सर वो? सर अब मुझे तो मेनली तो यही दिखता है कि पोर्टल नहीं चल रहा है, बहुत टेक्निकल इशू आ रहे हैं, कहीं को ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा है, टीडीएस क्लेम नहीं उठा रहा है, बेसिकली तो रीजन यही है। नहीं सर सर, आप बताएं। पोर्टल से भी बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो लगता है एक नया आइटम इनकम टैक्स में, एआईएस और टीआईएस, ये ठीक तो है ना? ये तो ये जो एआईएस और टीआईएस आया है, अगर कोई व्यक्ति आंख बंद करके रिटर्न फाइल कर दे, एआईएस और टीआईएस को नहीं देखता है, तो रिटर्न के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? और अगर वो एआईएस टीआईएस को देखता है, ठीक है, तो रिटर्न के जो फाइल होने का टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एआईएस टीआईएस में लोगों का देख रहा हूं बहुत सारी डिटेल है। बिल्कुल। तो सर एक बार ना हमें डिटेल में बताइए कि भाई ये एआईएस टीआईएस है क्या, इसमें करना क्या है, और जो भी व्यक्ति हमारे जो यूजर्स है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जिन्होंने कर दी है, वो इसे कैसे कंसिडर करें सर, प्लीज बताएं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो दो पार्ट यहाँ पे आए हैं इनकम टैक्स की तरफ से, एआईएस और टीआईएस। एआईएस का मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, इसका मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, ना कि आपकी इनकम की जानकारी। दूसरा है आपका टीआईएस, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जो कि आपकी टैक्स से रिलेटेड जो जो भी आइटम है वो यहाँ पे शो की गई है। अगर सर मैं एक चीज बोलूं कि जैसे लोगों के मन में वहम है, डर है कि जो जो चीज एआईएस में आ गई उसे हमें अपनी आईटीआर में दिखाना है, ये गलत वहम है, बिल्कुल गलत। लेकिन एआईएस आपको देखना है, और उस एआईएस को देखने के बाद अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन आईटीआर में आनी है तो वो आप उसे दिखाओ। बिल्कुल। जैसे मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एआईएस में आपका आया डिविडेंड, तो भाई डिविडेंड को दिखा दो, उसे एग्जम्प्ट में डाल दो। अगर वहां पर आया सिक्योरिटी की सेल और परचेज, तो आप अपनी सिक्योरिटी की सेल और परचेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिखा दो। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो तुम्हें अपनी इनकम मानना ही मानना है। जैसे कि लेट सपोज उसमें सर आया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपनी 45 लाख की प्रॉपर्टी बेची, अगर उस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन है तो दिखाओ, नहीं है तो मत दिखाओ, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो यही है सर कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये, ना कि इनकम स्टेटमेंट है। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी होंगी, आपको सिर्फ वही कंसिडर करनी है जो आपकी इनकम से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, तो इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। एआईएस टीआईएस ये मैंने आपको बता ही दिया, ये सीबीडीटी के द्वारा एक मॉडिफिकेशन की गई है हमारी, जो आपके पोर्टल पे भी ऐसे शो होती है, इनकम टैक्स पोर्टल पे सर्विसेज में जाके नीचे वाले टैब में आपको दिख गई होंगी। बिल्कुल। वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आपको कहाँ दिखेंगी, ये अमूमन आपने देख लिया होगा अभी तक। मुझे बेसिकली इसके बताने का आज पर्पज क्या है, क्योंकि ना इसके बिना आईटीआर फाइल करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी आ रही है सर। अभी इससे पहले क्या होता था, बहुत से जन क्या करते थे, शेयर मार्केट में ट्रेड करते थे, लेकिन वो अपनी इनकम कंसिडर नहीं करते थे, दिखाते नहीं थे आईटीआर में। लेकिन इसने क्या किया है कि सबकी इनकम शो कर दिया एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो आप लोगों को अब ये दिखाना कंपलसरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज ये है कि कई लोगों ने ना अपनी आईटीआर फाइल कर दी जी, और उसने एआईएस टीआईएस को कंसीडर ही नहीं करा जी, तो वहां पर छोटी मोटी गलती हो गई, किसी की बड़ी गलती भी हो गई जी, जी सर। तो क्या उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए जी, या उसी रिटर्न में छोटी मोटी गलती है छोड़ देना चाहिए, जब नोटिस आएगा तब देखें, क्या कहना चाहते हैं? अगर देखिए, अगर माइनर सी अमाउंट है, 100-150 रुपए की अमाउंट है, तो उसको
इग्नोर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई मेजर इनकम है आपकी, मान लीजिए कोई पेंशन आती है या कोई इंटरेस्ट इनकम है 10-20 हजार, लेट से 50 हजार रुपए, तो आपको रिटर्न रिवाइज करना जरूरी है। बिल्कुल। और इसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी दिया गया है, ये एसटीआई की खास बात ये है, अगर बाई चांस मान लीजिए ये आपका गलत इन्फॉर्मेशन उठा रहा है, अब इसमें क्या होगा, एक मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं इसमें, कि इसमें कई सोर्स से इन्फॉर्मेशन उठ के आएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिविडेंड आया है आपका, तो वो टीडीएस वाले रिटर्न से भी उठ के आएगा कि आपका इतना टीडीएस कटा था डिविडेंड पे, वो अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा है तो वहां से भी इन्फॉर्मेशन उठ के आएगी। ठीक है। या फिर लेट से एक अनदर एग्जांपल लेते, कोई आपने लैंड सेल परचेज की है, तो अगर सामने वाली पार्टी ने आपका टीडीएस काटा तो एक इन्फॉर्मेशन वहां से उठ के आ गई कि जी हमने इसको माल लैंड बेची थी और टीडीएस काटा था, हमने जमा करा दिया, आपके 26AS में अपडेट हो जाएगा और साथ ही साथ AIS में भी अपडेट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी आपकी स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी है वहां पे, उसके इन्फॉर्मेशन से भी इनकम टैक्स पोर्टल के पास इन्फॉर्मेशन आएगी कि जी ये लैंड या कोई भी बिल्डिंग सेल परचेज हुई थी और ये इसमें ट्रांजेक्शन हुई है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात ये आएगी, अगर बाय चांस आपकी इंफॉर्मेशन गलत आ रही है AIS में, आपने देखा कि जी मैंने इतने की सेल परचेज की नहीं थी, तो इसमें क्या आपके पास एक ऑप्शन है, फीडबैक देने का ऑप्शन है। अगर आप AIS में फीडबैक देते हैं तो आप इसको रिवाइज करवा सकते हैं, ये अपडेट हो जाएगा सर, टाइम टू टाइम अपडेट। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके AIS में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है जो आपके क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है, लेट सपोज मान लो मैं और मेरी मदर ने एक प्रॉपर्टी सेल करी जी। और हमने सेल करी 45 लाख रुपए की, तो 22-22.5 लाख मेरे में आने चाहिए, 22.5 लाख मेरी मदर में, लेकिन जो वहां पर वैल्यू आ रही है वो 45 लाख आ रही है मेरे में भी और मदर में भी, तो यहाँ पर हम फीडबैक में चले जाएंगे और उसे ठीक करा लेंगे। तो ये आपको सोचना है कि अगर आपने कोई ITR फाइल कर रहे हो तो उसमें AIS TIS को देखो, उसे कंसीडर करो, और अगर उसमें कुछ गलती है तो आप उसे वहां पर फीडबैक फॉर्म में डालो, नहीं तो आपको कल को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। जी सर, इसमें और क्या एडिशनल पॉइंट है हमारे पास? इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि इसमें आप अगर रिपोर्टेड वैल्यू प्रोसेस्ड वैल्यू, इसमें बहुत सी टर्मलॉजी यूज की गई है, ठीक है, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हमें शॉर्ट रखनी है। अच्छा, तो एक काम करना है सर, फिर जो ये थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, हाँ, जैसे कि रिपोर्टेड वैल्यू क्या है, रिपोर्टेड वैल्यू का मतलब है कि वही जो हमने डाल दी अपने हिसाब से वो रिपोर्टेड वैल्यू है, जो सामने वाली एंटिटी ने डाल दे दी हमें वो रिपोर्टेड वैल्यू, लेकिन अगर उसे हमने ठीक कराया है वो हमारी प्रोसेस वैल्यू है। प्रोसेस्ड वैल्यू का मतलब है कि सर मान लीजिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सर डिस्कस कर रहे थे डुप्लीकेशन वैल्यू का, डुप्लीकेट एंट्री आ रही इनकी मदर के अकाउंट में भी और इनके अकाउंट में भी, वो डुप्लीकेशन हटाने के बाद जो भी वैल्यू निकल गई वो प्रोसेस्ड वैल्यू है, और मतलब ड्राइड वैल्यू। तो ये सारी जो चीजें है ना सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी ना हम ना जनवरी का एडिशन देने वाले अपनी मैगजीन का, तो जो हमारी जनवरी का एडिशन है आप उसमें एक समराइज बनाकर हमें दे दो, एक पेज का, दो पेज का, जिससे कि लोग बाग अपनी ITR को गलत फाइल ना करे और जो AIS TIS में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर ले। तो अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन नहीं ली है तो भैया अभी डिस्काउंट चल रहा है, चल क्या रहा है, अब तो ये खत्म होने के मोड़ पर है, तो भैया इस डिस्काउंट का बेनिफिट ले। हमारी मैगजीन कैसी होती है अगर ये पता करना है तो आप हमारी सैंपल कॉपी ले सकते हैं। सैंपल कॉपी कैसे लेंगे, इन नंबर पर व्हाट्सएप कर दे भैया, सैंपल कॉपी दो, सैंपल कॉपी दो, ये आपको सैंपल कॉपी दे देंगे, और अगर सैंपल कॉपी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर लेने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि अभी डिस्काउंट है। और सर इसमें क्या वैल्यू हम बता सकते हैं? इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो AIS TIS है, मोटा मोटी बता देता हूं कि ये इंफॉर्मेशन कहां-कहां से उठा रहा है आपकी। आप सोचेंगे कि हमने तो कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन TIS पे या AIS पे कैसे आ गई? पहले AIS आता है, उसी से जो करक्स निकल के आता है, उसी की जो ट्रांजेक्शन है उससे हमारा TIS बनता है। और आप AIS को चेंज कर सकते हैं, ना कि TIS को चेंज कर सकते हैं। जब आप AIS को चेंज करेंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, तो आपका TIS ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो जो इंफॉर्मेशन उठ के आती है वो एक तो जहां भी आप पैन कोड करते हैं, लेट्स से आपने कोई अपना करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, वहां पे जो आपने पैन अपना कोट किया है, आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है, या कोई भी आपने डेबिट कार्ड लिया है, वहां पे आपने अगर कोई इंफॉर्मेशन दी अपने पैन से रिलेटेड, तो ये यहां से आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है। दूसरा, आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है, डिविडेंड आया है, किसी भी कंपनी का आपने शेयर्स खरीद रखे थे, वहां से ये इन्फॉर्मेशन आ रही। अगर आपने कुछ फॉरेन करेंसी सेल परचेज की है, कोई आइटम आपने बाहर से मंगवाया उसकी पेमेंट की, तो ये वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन पैन की ले रहा है।
तीसरा आपकी टीसीएस की जो रिटर्न है ये वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है, और लास्ट है कि जो जीएसटीआर रिटर्न है वहां से भी आपका सिंक्रोनाइज हो चुका है। और सर इसमें मैंने एक चीज और सुनी है कि अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो वहां से तो वैल्यू ले ही रहा है, लेकिन अगर कई केसेस में पैन कार्ड नहीं है उसकी जगह पर वो आधार कार्ड से भी लिंक करके कुछ आधार कार्ड से भी इन्होंने क्या किया है, अगर बाई चांस मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप कहते हैं हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो जो भी सामने वाला पर्सन है जो भी आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है वो आपसे एक फॉर्म 60 साइन करवा लेगा, और फॉर्म 60 पे आपकी आधार कार्ड की डिटेल भी मेंशन होगी या फिर वो आपका साथ में आधार कार्ड अटैच कर देगा। तो जैसे ही फॉर्म 60 साइन करवाएगा तो वो सामने वाला पर्सन फॉर्म 61 और 61A डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर्म 61 और 61 से इंफॉर्मेशन लेके आपके पोर्टल पे शो कर देगा। तो भैया ये चीज आप समझ लो, गुलिया जी ने आज हमें बताया है कि अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस टीआईएस को बहुत अच्छे से समझ ले, इसे हम अपनी मैगजीन में भी दे देंगे। और एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको 3 घंटे की वीडियो चाहिए पूरी एआईएस टीआईएस पर तो सर ने वीडियो बना रखी है, तो जिस व्यक्ति को वीडियो चाहिए वो हमारी पेन ड्राइव क्लासेस ले सकता है इनकम टैक्स की। हमारे जितने भी इनकम टैक्स के पेन ड्राइव मेंबर है सबको वो क्लासेस इस वाले वीक में मिल जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भैया एक बार फिर बता रहा हूँ, मैगजीन को सब्सक्राइब करा ले क्योंकि ये डिस्काउंट खत्म होने वाला है। सर कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बस हमारी तरफ से पूरा। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू।